जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आरपीएफ आपका एग्जाम डेट आ चुका है दोस्तों। जो कि एग्जाम डेट आपका अनाउंस हो चुका है, देख सकते हैं हम सामने, मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया दोस्तों। रेलवे में आरपीएफ परीक्षा का जो कि एग्जाम डेट टाइम टेबल सब कुछ घोषित कर दिया, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। एक छोटा सा अपडेट था, एग्जाम जो आपका होने वाला है 17 दिसंबर, 19 दिसंबर और 21 दिसंबर को, और इधर 18 और 20 दिसंबर को भी आपका 17, 18, 19, 20 यानी कि 5 बार होने वाला है, ठीक है। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख ले। शिफ्टिंग जो होगा आपका 10 बजे AM से होगा, ठीक है ना, 10 AM से 11:30। सेकंड शिफ्ट आपका 1 बजे से होगा और थर्ड शिफ्ट जो होगा आपका 4 बजे से होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शिफ्ट इन डे आपका हो जाएगा 3। तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के लिए, जो कि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी तैयारी करें। मेरे चैनल पे डेली प्रैक्टिस हो रहा है जीके जीएस का, आप लोग वो भी सवाल देख सकते हैं। खास करके जीके जीएस का रीजनिंग तो खैर आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, लेकिन जीके जीएस का सवाल मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करें, क्योंकि अभी आपका ALP का रिजल्ट आने वाला है 5 तारीख से पहले, फिर 19 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है ALP का, सेकंड स्टेज का एग्जाम होने वाला है। तो जैसे ही एग्जाम जैसे अक्टूबर नवंबर में खत्म होता है, दिसंबर में आपका इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, दिसंबर में नवंबर लास्ट तक इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा आरपीएफ का, और दिसंबर में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप डी का तो खैर रिजल्ट भी नहीं आएगा, ग्रुप डी का रिजल्ट आ सकता है जनवरी या फरवरी में आएगा, और फरवरी में आपका SSGD का भी होने वाला है एग्जाम आपका, फरवरी से ज़्यादा ही आगे जाएगा। जनवरी में जो पहले फिक्स था SSGD का वो नहीं होगा। तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है, आरपीएफ आरपीएसएफ और आरपीएफएसआई का भी एक अच्छी खुशखबरी की बात है इस तरह से। तो आप लोग जितने जल्दी से जल्दी तैयारी करिए, एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैं वीडियो बनाया था दोस्तों। और मैं बार बार कहता हूँ, किन्हीं को हमने कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूँगा। और एक अच्छी खुशखबरी की बात है, यहाँ पर 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर, यही 5 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। 3 शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है आरपीएफ आरपीएसएफ, और क्योंकि एज ज़्यादा नहीं रखा गया था, एज बहुत कम रखा गया था, इस चलते ज़्यादा कैंडिडेट लोग नहीं हैं। ग्रुप डी की तरह नहीं कि 2 महीने एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, 2 महीने 3 महीने। ग्रुप डी में तो कैंडिडेट ज़्यादा थे, एज ज़्यादा रखा गया था, इस चलते, ठीक है ना, इसमें एज भी कम रखा गया, इस चलते कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है। एज अगर ज़्यादा रखा जाता तो फिर यहाँ पर कैंडिडेट भी बहुत सारे आए थे, तो इसीलिए एज कम रखा गया है, कैंडिडेट भी यहाँ कम है, मौका बहुत ही बड़ा है, तो आप लोग ज़रूर हाथ मौका गवाए नहीं, ठीक है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके तैयारी करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, जीके जीएस का सवाल चल रहा है मेरे चैनल पर डेली, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही छोटा सा अपडेट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।